हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सराइटी। मध्य प्रदेश की एक और नई अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आपकी जो अपडेट है मध्य प्रदेश सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से, जो आपको पता है चार जिलों के जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें आपके पद रहने वाले हैं चौकीदार सहमाली, कार्यालय सहायक, अटेंडर फैकल्टी, ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहने वाले। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बहुत सारे अभी तक कमेंट देखते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है कहाँ से डाउनलोड करना है और इसका जो आवेदन फॉर्मेट है वो कहाँ से करना है, तो वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और आप लोगों को 22 अप्रैल तक यहाँ पर आवेदन आपको भेज देना है। तो चलिए हम चलते हैं पोर्टल पर, और आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन रहता है, आप लोग चैनल पर नए चैनल खोलना है यहाँ पर सब्सक्राइब और वीडियो करना लाइक। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, अपने मोबाइल में खोल लेना है और यहाँ पे आप लिखना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आप ये लिखोगे आपके सामने लिंक दिखेंगे, आपको जाना है रिकमेंड पे। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं हमारे सामने जाकर रिकमेंड, देखिए यहाँ पर जैसे ही आप लोग आओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेकेंड नंबर पर ये वाला, ठीक है, यहाँ वाला आपको दिख जाएगा सेकंड नंबर पे, इसको आपको कर लेना है यहाँ तक क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जो बताएंगे फैकल्टी, ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडर्स, चौकीदार, कमाल, ठीक है, 22 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाली। आप देखिए आप लोग जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का ये यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ये हो चुका डाउनलोड। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जाएगा MS वर्ड की फाइल, चूंकि तो MS वर्ड की फाइल आएगी। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो मेरे सामने इस तरह ये खुल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आपको करना पड़ेगा PDF में कन्वर्ट, ठीक है, तो मैंने ये कर लिया दोस्तों PDF में कन्वर्ट। ये अलग अलग देखिए, मान लो फैकल्टी का ये रहने वाला है, चौकीदार का ये रहेगा, और ऑफिस असिस्टेंट का ये रहने वाला है, यहाँ पर अटेंडर का ये रहेगा, और सभी के जो आवेदन फॉर्मेट वो मैंने कर लिया है डाउनलोड। तो दोस्तों ये आप लोगों को ये रहेंगे, ये वाले फॉर्मेट ये मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन, आप लोग वहाँ से जाकर देख लें। और आप लोग यदि उस जिले के निवासी हैं या उस जिले से बिलोंग करते हैं आसपास के, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपकी होता है 7वीं पास है, 12वीं पास है, कंप्यूटर है, ठीक है, स्नातक है, तो इनमें आप लोग जरूर आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं पोर्टल पर जाके। तो आज की इन्फॉर्मेशन थी, बहुत से आवेदन कमेंट थी सर कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोगों को MS वर्ड से PDF में कन्वर्ट करना पड़ेंगे, तब आप लोग आवेदन यहाँ पर भेज सकते हैं। आप चाहे तो MS वर्ड का प्रिंट आप लेकर एप्लीकेशन है तो आप लोग यहाँ पर भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।